हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू लाइफ साइट विजिट। मैं रवि विशिष्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू चंडीगढ़ मास्टर प्लान। जी हां, हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो जानना चाहते हैं न्यू चंडीगढ़ की प्लानिंग के बारे में, न्यू चंडीगढ़ के मास्टर प्लान के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं लेआउट, ये न्यू चंडीगढ़ का मास्टर प्लान है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, सबसे पहले जैसे चंडीगढ़ मेन दो रोड्स के ऊपर मेजरली कनेक्टेड है, मध्य मार्ग एंड दक्षिण मार्ग, सेम दो रोड्स ही यहाँ पे कनेक्ट की गई हैं, मध्य मार्ग एक्सटेंशन रोड के नाम से और दक्षिण मार्ग एक्सटेंशन रोड के नाम से। और साथ में एक तीसरी सेंट्रल रोड है जो सेंट्रल बुलेवर्ड रोड के नाम से न्यू चंडीगढ़ में चंडीगढ़ को कनेक्ट करती है। तो जो इसकी कनेक्टिविटी है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे चंडीगढ़ हो, सबके लिए बेस्ट कनेक्टिविटी आप कह सकते हो। क्योंकि मध्य मार्ग एक्सटेंशन आज की डेट में आप देख सकते हैं, सीधा मध्य मार्ग पे हम एंटर करेंगे मध्य मार्ग एक्सटेंशन के ऊपर, देन उसके बाद राइट हैंड साइड जाएंगे तो बद्दी आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो कुराली आ जाता है, जहाँ से आप पंजाब हिमाचल कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके बाद अगर फ्रेंड्स बात करें एक और मेजर कनेक्टिविटी की, वो आती है अपनी एयरपोर्ट रोड। जी हाँ, PR7 एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट रोड PR7 जो कि न्यू चंडीगढ़ से कनेक्ट होने जा रही है। बहुत ही जल्दी ये रोड न्यू चंडीगढ़ में कनेक्ट हो जाएगी, ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन हो चुकी है, काम जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी न्यू चंडीगढ़ की कनेक्टिविटीज़। अभी हम देख लेते हैं कि न्यू चंडीगढ़ में कैसी प्लानिंग है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। एक्टिविटी के बाद अगर हम बात करें न्यू चंडीगढ़ की मास्टर प्लानिंग की, तो सबसे पहले अगर हम देखें जो ये येलो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा रेजिडेंशियल जोन एरिया है, जिसके अंदर कोई भी बिल्डर है उसको मिनिमम 100+ acres लैंड रिक्वायर्ड है अपनी अप्रूवल के लिए, तब जाके वो यहाँ पे अपने फ्लोटिंग फ्लोर्स, कोई भी टाउनशिप यहाँ पे अपनी बिल्टअप कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। उसके अलावा अगर सेकंड टाइप की लैंड की बात की जाए, वो है मिक्स यूज़ लैंड, जो आप ये देख सकते हैं मिक्स यूज़ लैंड है, ऑरेंज कलर में जो शो की गई है। इसके अंदर 10+ acres के अंदर हाई राइज की, ग्रुप हाउसिंग की और कमर्शियल की अप्रूवल्स आपको मिल जाती है। और इसी मिक्स यूज़ लैंड के अंदर कुछ रेजिडेंशियल, कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं न्यू चंडीगढ़ के अंदर जो ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है। अगर न्यू चंडीगढ़ की प्लानिंग के अंदर फैसिलिटीज़ की बात की जाए, तो सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ न्यू चंडीगढ़ के अंदर ऐड की गई है मेडिसिटी की। जी हाँ, मेडिसिटी की अगर बात करें, 300+ acres का एरिया है जिसके अंदर ये सारे मेजर हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जिसमें टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, चैतन्या है, PGI एक्सपेंशन है, गरेवाला इंस्टीट्यूट है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल इनफैक्ट काफ़ी हद तक बन चुका है, इसी साल ऑपरेशनल हो जाएगा, और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे आने वाले टाइम में। ये एक मेजर हब होगा मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। और उसके साथ साथ ही मेडिकल के साथ एजुकेशन भी सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी सिटी को बसाने के लिए। तो एजुकेशन पर्पज़ से यहाँ पे एजुकेशन सिटी प्लान की गई है, EduCity के नाम से, जो कि अप्रोक्सीमेट 450+ acres के अंदर प्लान की जा रही है, जिसमें मेजर अपने एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस यहाँ पे प्लान किए जाएंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, सबसे मेजर फैक्ट अगर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन के अंदर देखें, तो PCS स्टेडियम ऑलरेडी न्यू चंडीगढ़ के अंदर बनके तैयार है, इसी साल ऑपरेशनल हो जाएगा इंटरनेशनल मैचेस के लिए। प्लस इसके साथ ही इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 800+ acres के अंदर प्लानिंग की है इको टूरिज्म की, जो कि सिस्मा डैम था जो उसके साथ में डेवलप किया जा रहा है। ये 800+ acres की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। जैसे फ्रेंड्स मैंने बताया, यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं वो काफ़ी फेमस बिल्डर्स हैं, ब्रांड्स आप उनको एक कह सकते हैं, बिकॉज अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो DLF है, ओमैक्स है, मनोहर सिंह एंड कंपनी है, कमाडा इको सिटी है, PCL ग्रुप है, अल्ट्रा स्पेस बिल्डर्स हैं और सनटेक सिटी है। इसके अलावा एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बीका रियल कौन है, क्यूरो होमलैंड है, जो आज की डेट में न्यू चंडीगढ़ के अंदर अपनी सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगी, ऑप्शंस की अगर बात करें रेजिडेंशियल ऑप्शंस में, आपको 100 गज से लेके 1000 गज तक के प्लॉट मिल जाएंगे न्यू चंडीगढ़ के एरिया के अंदर। प्लस इसके साथ साथ अगर कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल के अंदर 10 गज के बूथ से लेके 125 गज तक के शोरूम मिल जाएंगे, या फिर मल्टीप्लेक्स ले सकते हैं, फूड कोर्ट ले सकते हैं, ऑफिस स्पेसेस ले सकते हैं। यानी कि कमर्शियल की अगर बात करें, 15 लाख से लेके आपको 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगी। इनमें से कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको अश्योर्ड रिटर्न्स भी बिल्डर आपको दे रहे हैं। तो साथ के साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमने बात की, उसके अलावा बिल्टअप प्रॉपर्टीज के अंदर फ्लैट्स मिल जाएंगे, फ्लोर मिल जाएंगे, लो राइज हाई राइज दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्लस लग्जरी विलास आपको न्यू चंडीगढ़ के एरिया के अंदर मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल लग्जरी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ तैयार किए जा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स कम्प्लीटली न्यू चंडीगढ़ के अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें, आपको घर के साथ साथ क्या क्या फैसिलिटीज़ बिल्डर प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लब हाउस रहेंगे, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न है, वाटर सप्लाई का प्रोविज़न है, सिक्योरिटी 24/7 रहेगी। फैसिलिटीज़ एक शहर को बसाने के लिए चाहिए होती हैं,
सभी बिल्डर को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू चंडीगढ़ मास्टर प्लान की। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं नियर अबाउट चंडीगढ़ तो एक बार विजिट जरूर कीजिए न्यू चंडीगढ़ के एरिया में। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग न्यू चंडीगढ़ में, मोहाली में, जीरकपुर में, खरड़ में, तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, तो आप कभी भी आइए, एक बार मिलिए जरूर। थैंक यू सो मच।